हेलो दोस्तों, ये रहा लेनोवो K8 प्लस। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि लेनोवो K8 प्लस में ऑडियो अपडेट के बाद जो जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं इस फोन का प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि आपको जानना होगा कि आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम है उसका रीज़न क्या है, और उसके बाद ही आप आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लेट आ रहा है, क्योंकि मेरा चश्मा टूट गया था, इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो इसीलिए आई एम सो सॉरी इस वीडियो को लेट से बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम की जो दूसरे फोन में नहीं दिखाई दे रहा है। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के फोन में दिखाई दे रहा है। तो इस केस में हो सकता है कि आपके फोन में कोई भी हार्डवेयर इशू हो, और इसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना होगा। लेकिन इससे पहले आप एक काम कर सकते हो, आप फोन को एक बार फैक्ट्री रीसेट या फिर फॉर्मेट करके चेक कीजिए कि आपके फोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गया है या नहीं। मोस्ट ऑफ केसेस फैक्ट्री रीसेट के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ बग्स दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से इस फोन में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसका जो फ्रंट कैमरा है उसे लेके। जब भी आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से सेल्फी लेते हो तब वो ब्लैक हो जाता है, और ये सारे मोबाइल में दिखाई दे रहा है। और भी बहुत सारे बग्स इस फोन में दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके फोन में इस टाइप का बग्स दिखाई दे रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ ओटीओ अपडेट के थ्रू ही ये ठीक हो सकता है। कोई भी टिप्स और ट्रिक्स काम आने वाला नहीं है, तो आपको नेक्स्ट ओटीओ अपडेट के लिए वेट करना ही होगा। आप बात कर लेते हैं कि इस फोन में जो स्लो चार्जिंग और हीटिंग इशू प्रॉब्लम है इसके बारे में, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये होता क्यों है और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। और ये जो हीटिंग और चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपका फोन ज्यादा हीट होता है तो चार्जिंग में भी आपका फोन ज्यादा टाइम ले लेगा, और उसके साथ साथ लैग भी आपके फोन में दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा कि आपका जो फोन है वो क्यों हीट हो रहा है। पहला है कि अगर आप फोन को चार्जिंग के टाइम पे यूज करते हो तो आपका फोन डेफिनेटली हीट होगा, तो इसलिए आपको चार्जिंग के टाइम फोन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आपने फोन में बैक कवर लगा के रखा है तो उसकी वजह से भी आपका फोन हीट होता है। तो जब भी आप फोन को चार्जिंग में यूज करेंगे तो आप जो बैक कवर है उसको उतार के उसके बाद चार्जिंग में लगाइए, इससे आपका फोन ज्यादा हीट अप नहीं होगा और आपका फोन बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेनोवो K8 प्लस में आपको बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, तो इन सारे एप्लीकेशन को आपको डिसेबल करना होगा। तो ये कैसे करते हैं देख लीजिए। आपको जो यहाँ पर आइकॉन है उसमें आपको टैप करके होल्ड करके रखना है, उसके बाद ऐप इन्फो में जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर डिसेबल ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप उस एप्लीकेशन को डिसेबल कर देना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं सारे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर डिसेबल कर चुका हूँ। इसके साथ साथ आप एक और ट्रिक ट्राई कर सकते हो। मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि यह काम करता है या नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल गया। इस फोन में मोटो लॉन्चर यूज किया गया है, तो आपको कोई भी दूसरे कोई भी लॉन्चर आपको ट्राई करना होगा। तो सबसे जो बेस्ट लॉन्चर मुझे लगा वो है नोवा लॉन्चर। ये जो नोवा लॉन्चर है काफी हद तक ये स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही है, और बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाता है, और दिखने में भी काफी बढ़िया होता है। तो आप नोवा लॉन्चर से एक बार ट्राई करके चेक कर सकते हो। अगेन, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दो पुराने वीडियो को देख सकते हो, एक है चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम और दूसरा है बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। बहुत सारे लोगों को बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जहां पर बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाता है। तो इसके लिए दो रीजन है। पहला है कि आपके फोन में कोई भी हार्डवेयर इशू हो, और दूसरा है आपके फोन में कोई भी सॉफ्टवेयर इशू हो। तो अगर आपके फोन में कोई भी हार्डवेयर इशू है तो आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा और इसको ठीक करना होगा। तो अगर आपका फोन का जो बैटरी है बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाता है, जैसे कि अभी 50% है तो कुछ ही देर बाद 40% हो जाता है, तो इसके लिए आपको फोन को एक बार सेफ मोड में एनेबल करना होगा। उसके बाद चेक करना होगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं। तो सेफ मोड कैसे एनेबल करना है देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं लेनोवो K8 प्लस को सेफ मोड में कैसे एनेबल करते हैं। इसके लिए जो पावर बटन है आपको इसको होल्ड करके रखना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर पावर ऑप्शन और रिस्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो जो पावर ऑप्शन है उसमें आपको टैप करके होल्ड करके रखना है। इसके बाद आपका फोन अपने आप शट डाउन हो जाएगा, उसके बाद सेफ मोड में एनेबल हो जाएगा। ये देखिए, मेरा फोन अभी सेफ मोड में एनेबल हो गया है।
जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे लिखा है सेफ मोड, और यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन आप देख सकते हो ये डिवाइस का एप्लीकेशन है, यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है बाद में वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो ये था इस फोन का सेफ मोड, और सेफ मोड से आपको वापस जाने के लिए आपको इस पावर बटन को होल्ड करके रखना है, उसके बाद आपको सिंपली इसको रिस्टार्ट कर देना है, इसके बाद आपका फ़ोन बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेफ मोड को एनेबल करके चेक करना है। अगर सेफ मोड में भी आपका बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो रहा है, मतलब आपके फ़ोन में जो बैटरी है उसमें कोई भी हार्डवेयर इशू है, जैसे कि कोई भी शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम या फिर कोई भी सर्किट का प्रॉब्लम है या फिर बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना होगा और बैटरी को रिप्लेस करना होगा या फिर फ़ोन को ठीक करना होगा। और अगर सेफ मोड में आपका बैटरी ठीक चल रहा है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर इशू आपके फ़ोन में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा कि कौन सा वो एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में जो बैटरी है उसको यूज़ कर रहा है, और उस एप्लीकेशन को आपको डिसेबल करना है या फिर अनइंस्टॉल करना है। और कभी कभी आपको पावर रिमाइंडर नाम का यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा कुछ इस टाइप का, तो आपको इसको चेकआउट करना है। उसके बाद जो जो पावर इंटेंसिव एप्लीकेशन है उसको आपको ऑप्टिमाइज कर लेना है, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आपके जो ऑनलाइन अकाउंट्स है जैसे कि जीमेल, उसका जो ऑटो सिंक है उसको भी आपको ऑफ करके रखना है, इससे वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में सिंक नहीं होगा और आपका जो बैटरी है काफ़ी हद तक बच जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोगों को चार्जिंग में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर फ़ोन को एक दो घंटे तक चार्जिंग में लगा के भी आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो इसका दो रीज़न है, पहला है कि आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, और दूसरा है कि आपके जो चार्जिंग केबल या फिर चार्जर है उसमें प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको जो चार्जर है उसको आपको रिप्लेस करके देखना होगा। आप कोई भी स्मार्टफोन का जो जेन्युइन चार्जर होता है उसका जो केबल होता है उसको आप रिप्लेस करके देख लीजिए, और इसके बाद आपको 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का कोई भी जेन्युइन चार्जर को यूज़ करके इस फोन को चार्ज करके देखना है कि आपका फ़ोन ठीक से चार्ज हो पा रहा है या नहीं। अगर आपका फ़ोन ठीक से चार्ज हो रहा है, मतलब आपका जो पुराना चार्जर है वो अभी खराब हो चुका है और आपको रिप्लेस करना होगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है, मतलब आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत हो सकता है, जैसे कि आपके फ़ोन में जो बैटरी है वो ख़राब हो सकता है, या फिर जो चार्जिंग पॉइंट होता है वो ख़राब हो सकता है, या फिर फ़ोन में कोई भी सर्किट प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है, तो आपको सर्विस सेंटर जाना होगा और आपके फ़ोन को ठीक करना होगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार फैक्ट्री रीसेट करके देख लीजिए कि आपका प्रॉब्लम ठीक हो रहा है या नहीं। और इसी के साथ साथ आप एक बार सेफ मोड में इस फ़ोन को डाल के चार्ज करके देख लीजिए कि आपका फ़ोन ठीक से चार्ज हो रहा है या नहीं। अगर सेफ मोड में आपका फ़ोन ठीक से चार्ज हो रहा है, तो आप एक बार आपके फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कीजिए। आई होप कि आपका जो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा और देखना होगा कि आपके फ़ोन में कोई भी हार्डवेयर इशू है या फिर सॉफ्टवेयर इशू है। इसके बाद आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। और मैं लेनोवो K8 प्लस के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और उन सारे वीडियो को आप ज़रूर चेक कीजिए। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाले जो बेल आइकन है उसको भी आप एनेबल कर दीजिए। मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाई।